प्रयोगों को शुरू करने से पहले इस युवा होनहार वैज्ञानिक को नाश्ता करके अपने को ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। किटकैट कैंडी बार, यह सही है, और मुझे अपने नए आविष्कार का उपयोग करने का एक मौका मिला, सुपर मेगा मल्टीप्लायर। देखते हैं यह कैसे काम करता है। हाँ, मुझे लगता है कि सही मात्रा का एक्टिवेटर की जरूरत होगी। मुझे इसमें डालना होगा और इसे चालू करता हूँ। अरे वाह, एक कैंडी बार के बजाय अब मेरे पास दो है। मुझे अपनी सफलता के बारे में वैज्ञानिक समुदाय को तुरंत बता देना चाहिए। मैरी और सूजी कुछ स्वादिष्ट खाने के खोज में युवा वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में पहुंच गए हैं। ओह, जैकपॉट! सूजी को रेफ्रिजरेटर में मोमो की प्लेट मिली है। ये कैसा माइक्रोवेव है? शायद नया मॉडल होगा। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ घंटी और सीटी नहीं होगी। जो भी हो, मैं यहाँ पर भूख से मर रही हूँ। ठीक है, रुको, मुझे इसे गर्म तो करने दो। देखो, किसी ने चॉकलेट के टुकड़े यहाँ छोड़ दिए हैं। शायद हम सिर्फ एक खा सकते हैं। नहीं, तुम अपना भोजन खराब कर दोगी, नीचे रखो। नहीं, मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ, इसके बारे में सोचो भी मत। अब तुम्हें क्या खाना है? चॉकलेट तो उधर माइक्रोवेव के अंदर चला गया। यह सही नहीं लगता है, वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं एक मिनट के लिए कमरे से बाहर निकलता हूँ और तुम दोनों अंदर आके सब कुछ गड़बड़ कर देती हो। किसने तुमसे कहा कि तुम दूसरे के भोजन के आविष्कार को छू सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं तो इन मोमोज को कभी देखा भी नहीं है। क्या है और इनका क्या? अपने आप को समझाएं आप दोनों। चॉकलेट मोमोज, ये तो बिल्कुल भी मेरे नहीं है। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। मैरी अपने चॉकलेट मोमोज से बहुत खुश है। वो जल्दी से उसे अपने कांटे से उठाती है और खाना शुरू करती है। कितना स्वादिष्ट। सूजी को भी थोड़ा चखने का मन कर रहा है, लेकिन आज माइक किसी को भी साझा करने की अनुमति नहीं देगा। किसी और के प्लेट से खाना चुराना बुरी बात है, आप अपना खाइए। सूजी अपने कांटे से एक छोटे से मोमोज को भी नहीं ले पा रही है। वो मोमोज जो उसने फ्रिज से पहले निकाली थी, अब तक जमे हुए हैं, क्योंकि वो माइक्रोवेव अब माइक्रोवेव नहीं रहा। सूजी अपने कांटे को छोड़कर अपनी उंगलियों से एक उठाती है और खाना शुरू करती है। मैरी को सूजी की कोशिश बहुत रोमांचक लग रही है। सूजी थक चुकी है और जोर से अपने कांटे को मोमोज में घुसाती है, लेकिन उस दरार में भी किसी तरह से अधिक खाने लायक नहीं बनता। मैरी और माइक अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। माइक सक्रिय रूप से अपनी मल्टीप्लाइंग मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसने आखिरकार पहले से ही अपने सहयोगियों को डिवाइस के बारे में डिंग मार दी है, और ये जब इस टूटे हुए देखेंगे तभी उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन किसी के पेट में दर्द हो रहा है और वो फिलहाल वैज्ञानिक उपलब्धियों में कम परवाह करती है। उसने नीचे क्या पाया? मुझे पता था, चीज का एक टुकड़ा। मैं इसे टेबल के नीचे खाऊंगी ताकि मुझे साझा न करना पड़े। आओ मेरा सिर। लिटिल मिस लालची मेज पर अपना सिर टकराया। यो, तुम्हारे चीज से वास्तव में भयानक बदबू आ रही है। अरे, मुझे वह चीज दे दो, मुझे देखने और जांचने की आवश्यकता है मैंने अपना आविष्कार ठीक किया है या नहीं। यह परफेक्ट टेस्ट के रूप में काम करेगा और हम प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसे हम चीज के दो टुकड़े, एक नियमित टुकड़ा और एक चॉकलेट से बने हुए हैं यहाँ। ओह, मुझे क्यों बुरा बदबूदार चीज मिला है? ओह, इसका मतलब है कि मुझे चॉकलेट वाली मिली। ओह, स्वादिष्ट। इसके बारे में ये नहीं कह सकते, शायद अगर मैं इसे सूंघने से बचूं। यो, छी। हाँ, मजेदार है। धन्यवाद मैरी, मैं खुशी से अपने सफेद चॉकलेट चेडर स्लाइस के बाद नियमित चीज खाऊंगी। वैज्ञानिक सम्मेलन शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, और मैं अभी भी यह पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि मेरे मल्टीप्लायर को कैसे ठीक किया जाए। मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, और अब मैंने अपना पेचकस गिरा दिया है।
यहाँ क्या है, मुझे लगता है मैं इस उपकरण में डाल दूंगा। ठीक है, मैं एक और 5 डिग्री जोड़ूंगा जो चीज़ों को अनुकूलित करने के लिए चाहिए। अरे ओम, ये वास्तव में मेरी सैंडल है, अब मैं कैसे चलूं? एक चक्कर में मत जाओ, आपको अपना जूता वापस मिल जाएगा सिंड्रेला, और यह एक चॉकलेट मित्र के साथ आएगा। क्या, यह रंग कैसे बदला? यह एक छोटी सी त्रुटि का परिणाम है, इन जूतों को छाट लो देवियों। मैं इस नारंगी सैंडल के साथ क्या करूं? मुझे पता है कि इस चॉकलेट के साथ क्या करना है। ठीक है, मैं इसको पहन कर देखती हूँ। भयानक, मैं एक जोकर की तरह लग रही हूँ। ये देखो, मेरे जूते वास्तव में नारंगी रंग के हैं। मेरा एक हील टूट गया है, क्या मुझे वो हील मिल सकती है? हाँ, जो भी हो ले लो। यह सही नाप का भी है। मेरी दुखी नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या खुश करेगा। वास्तव में आप मुझे इसे दे रहे हो? धन्यवाद, स्वादिष्ट। इसे के लिए तो दोस्त होते हैं मैरी। शायद समस्या दरवाजे पर है। नहीं, सब कुछ ठीक लग रहा है। इस हथौड़ा के साथ परीक्षण करने से कोई भी कमजोरियों का पता नहीं चल रहा है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? लिपस्टिक? यह अगले परीक्षण आइटम के रूप में काम करेगा। अरे, वह मेरी लिपस्टिक थी सूजी। क्षमा करें, मुझे लगता है कि मुझे पहले पूछना चाहिए था। लड़कियां, बात बंद करना बंद करो। विज्ञान के साथ मेकअप के बारे में कौन परवाह करता है? यहाँ अब 2 ट्यूब हैं। आप में से प्रत्येक के लिए एक। कम से कम मैंने उस समस्या को ठीक कर दिया है। मैं अपना लूंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं तो चॉकलेट वाला लूंगी। मैरी ने अपनी लिपस्टिक को लगाया और पूरी तरह से अनजान है कि उसका रंग बदल गया। सूजी परेशान नहीं है, वो अपने चॉकलेट कॉस्मेटिक से पूरी तरह संतुष्ट है। वाह मैरी, उस काले लिपस्टिक ने आपको किस प्रकार के जाहिल चुड़ैल में बदल दिया है। केवल एक चीज गायब है, एक काली टोपी। मुझे इन सभी घटनाक्रमों को अपने अवलोकन पत्रिका में दर्ज करना होगा। मैं मुश्किल में आपको पहचान पा रही हूँ। मल्टीप्लायर, आपको क्या चाहिए? मैं क्या चाह रहा हूँ? चलो, धातु का एक बड़ा टुकड़ा। वह गंध क्या है? हे भगवान, यह मत कहो मुझसे आ रहा है। ओके, अच्छा है कि मेरे पास हमेशा मेरा पसंदीदा इत्र है। कुछ स्प्रिट और यह बदबू गायब हो जाएगी। वह अच्छी सुगंध क्या है? मैरी, क्या मैं आपके इत्र का उपयोग कर सकती हूँ? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं दोस्त, अपने स्वयं के इत्र ढूंढो। हमारे अगले परीक्षण नमूने की पेशकश करने के लिए धन्यवाद। अगर मैं नोबेल पुरस्कार जीतता हूँ तो अपने पुरस्कार को आप दोनों के साथ साझा करने के बारे में सोचने का वादा करूँगा। संदेह है पर शायद। बिजली चालू करें। यह तैयार है, 2 पूरी बोतलें, 1 मिठाई और 1 सुगंधित। कौन क्या चाहता है? आडा, मुझे असली चाहिए। अब मेरे से भी तुम्हारी तरह महक आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं चॉकलेट के साथ। यहाँ क्या है? माइक, आपके डिवाइस ने इस इत्र की नरम फूलों की खुशबू को बर्बाद कर दिया है। विज्ञान के लिए बलिदान की आवश्यकता है। आपके पास मौका होने पर कैंडी की बोतल लानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि मक्खियाँ मेरे पास भटक रही हैं। संभालो, ये शोर शराबा मुझे भारी सिर दर्द दे रहा है। हो सकता है शायद मुझे बस अपने आविष्कार को पूरी तरह से सूखने की जरूरत है। हेयर ड्रायर, अंदर अपना काम जारी रखें, मुझे यकीन है कि यह कर देगा। और एक बार फिर, दूसरा हेयर ड्रायर चॉकलेट से बना है। इस झमेले में कुछ तर्क ढूंढने होंगे। ओहो, क्या एक स्वादिष्ट मीठा हेयर ड्रायर। मैं क्या करूं इसके साथ? अब मैं सिर्फ सूजी को देख सकती हूं और ईर्ष्या कर सकती हूं। एक क्षण रुको, क्या होगा अगर मैं चीजों को थोड़ा दिलचस्प करूं? सूजी ने जल्दी से अपने चॉकलेट को खत्म कर दिया, लेकिन वो अभी भी उसके चेहरे और हाथों पर थोड़ा बचा है। तो ऐसा है, शेयरिंग इज केयरिंग है मेरे दोस्त। अगर रचनात्मक नहीं तो वह कुछ भी नहीं है। अच्छा काम, मैं एक बेवकूफ की तरह लग रही हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ मैं बहस नहीं करूंगी।
मैं आपकी मरम्मत करूंगा। खराब मल्टीप्लायर, मुझे ऐसे और उपकरण मिले हैं जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके खिलाफ क्या होगा। उदाहरण के लिए एक रेंच एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी अगली वस्तु क्या होगी? सूसी की ब्रश कैसी होगी? फिर से सोचो। मैरी का टेलीफोन, आपने अपना दिमाग खो दिया होगा यार। ठीक है, मेरे व्रेंच का उपयोग नहीं करने का कोई कारण नहीं है, मैं वैसे भी नया खरीदने वाला हूँ। बोल्ट और एम्स को उचित रूप से सेट किया गया है, कमाल की बात है, ये दो रेंच निकला है। बेशक मुझे यकीन नहीं है कि इसके साथ क्या करना है। क्या क्या है? क्या अजीब उपकरण है यह? लड़ाई शुरू सर, एक द्वंद है। उनके सिर में क्या हो गया है? मैंने तुम्हें हरा दिया मैरी, आपका हथियार चॉकलेट निकला है। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। ओह यह बहुत अच्छा है, मेरे लिए दूसरे आधे को छोड़ने के लिए धन्यवाद, यह मेरी उम्मीद से बेहतर है। सूजी ने चुपके से फ्रिज में जो कुछ भी पाया उसे एक सैंडविच बनाने में कामयाब रही। मैरी उसे अपने साथ बांटने के लिए याचना कर रही है, लेकिन सूजी केवल डिजर्ट को बांटने के लिए तैयार है। सूजी, आज हम केवल चॉकलेट खा रहे थे, मैं एक और बाइट नहीं ले सकती। मुझे विश्वास है कि अंत में समझ गया कि समस्या क्या है। जैसा कि मेरे दोस्त जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं हमेशा कहते हैं, कभी कभी आपको बस अपना घोंसला बदलने की जरूरत होती है और मेरे सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए। मैं इस प्यारे सैंडविच को ले जाऊंगा, कृपया और धन्यवाद। नहीं माइक, आपकी आपत्तियों को मेरे लॉग में नोट किया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संत आइंस्टीन, मेरी मदद करो। सैंडविच बना हुआ है और उसके बगल में यह एक चमत्कार है, दो और सैंडविचेस। बोन एपेटिट मेरे साथियों। यह बेकार है, मैं यह नहीं खा सकती। मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि ये सत्य से परे है, मेरा काम जारी रहेगा। लाइक बटन को दबाएं और इस वीडियो के ब्लूपर्स को आनंद लें।